हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जो बी टॉपिक हुए हैं उनके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का असाइनमेंट आज वीडियो अपलोड के टाइम पे डाल दिया जाएगा। आपको उनको अच्छे से तैयार करना है, फिर नोटबुक में करना है। मैं वन बाई वन क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से उनको समझना है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कर भी सकते हैं आप साथ साथ। विच इज मोर कंसंट्रेटेड, वन मोलर और वन मोलर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वन मोलर और वन मोलर सॉल्यूशन के अंदर कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो आप लोग कंसंट्रेटेड से क्या समझते हैं, कंसंट्रेटेड का मतलब कि कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन की ज्यादा होगी। और कंसंट्रेशन का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर मिनट वॉल्यूम। क्लियर, तो मैं इसका आंसर जो दे रहा हूँ, पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ, भाई वन मोलर ज्यादा होगा, आंसर ये है। बट अब इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इनका जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आप सबसे पहले जो भी पूछा गया है ना उसकी डेफिनेशन सोल्व कर दो। मोलर मीन्स मोलरिटी, मोलर मीन्स मोलैलिटी। तो अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर इन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर इन सॉल्यूशन। और ये मोलैलिटी क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी इन सॉल्वेंट। आया समझ में, यानी कि जो मोलरिटी होती है वो थी आपकी सॉल्यूशन के अंदर, और मोलरिटी जो होती है वो होती है सॉल्वेंट के अंदर। अब आप इसी से ही समझ लें सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर, और सॉल्वेंट जो होता है वो ओनली सॉल्वेंट के अंदर चेक कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिक्सअप होने के बाद इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा होगी इसमें, और इसमें सॉल्यूट है ही नहीं। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर मिनट वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी क्या देखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा मिलेंगे या सॉल्वेंट के अंदर, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिक्सअप से बनता है। तो इसलिए आपका वन मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। इसका मैं समअप करता हूं, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर इन सॉल्यूशन, यानी एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर, और ये होता है एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सअप होने से ही आपका सॉल्यूशन बनता है, और इसमें ओनली सॉल्वेंट यूज होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मोलर, वन मोलर और वन मोलर में कौन कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा। मोलर ज्यादा होगा क्योंकि मोलर में सॉल्यूशन यूज होता है जो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, और मोलर के अंदर आपका ओनली सॉल्वेंट यूज होता है। क्लियर, सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनके असाइनमेंट डाल दिया जाएगा, आप उनको अच्छे से रीड करना और अपने फेयर नोटबुक के अंदर तैयार करना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, इज मिसिबल विद वाटर, इज मिसिबल विद वाटर, वाई। ये कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो आपका होता है और वाटर जो होता है ये अच्छे से मिक्स क्यों हो जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी में बताया था, लाइक डिसॉल्व लाइक मींस, अगर सॉल्यूशन आपके पास पोलर है और जो सॉल्यूट है वो और सॉल्वेंट जो है दोनों पोलर है तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो भी आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। मैं ये तो पोलर का है, जैसे आप सब बच्चों को पता होगा वाटर जो होता है वो
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप इसके अंदर इथेनॉल डालोगे तो जो इथेनॉल होता है वो खुद क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जो आपके पास ये R होता है इसके अंदर, यानी कि R OH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R मीन्स कार्बन। तो ये जो आपका वाटर वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके साथ जो अल्कोहल है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब आप इन दोनों के, यानी कि दोनों के दोनों पोलर हो गए, जब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेंगे, इसलिए दोनों कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। तो आपका यहाँ पर एक जर्नल वे में अगर इसका आंसर लिखोगे तो इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस तरह से वो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट होगी। मैं नॉन पोलर का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ C6H14 क्या होता है? ये हेक्सेन। मैं कहता हूँ C7H16, ये दो का मिक्सअप मैंने दिया। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन है, इनमें कोई भी पोलर नहीं है, पोलर नहीं है तो दोनों के दोनों क्या हो गए? ये हो गए हैं नॉन पोलर। अब नॉन पोलर मीन्स इनके ऊपर कोई भी पोलर मीन्स चार्ज नहीं है। तो अब जब ये दोनों मिक्सअप करेंगे, अब ये मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं पेट्रोल। क्या कहते हैं? पेट्रोल। और दोनों एक इक्वल रेशियो के अंदर ही मिक्स रहते हैं। तो देखो दोनों कितने अच्छे से मिक्स होते हैं। अब आपको मैं एक बात बोल देता हूँ कि वाटर प्लस ये C6H14 क्या ये मिक्स हो सकते हैं? ये मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर हाइड्रोजन पोलर हो गया, ये आपका क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। तो मैंने आपको बोला था ना लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे, मीन्स पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, मैंने तीनों एग्जाम्पल लेके बता दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का ही पूछा था, पोलर पोलर का, मैंने तीनों बताए हैं। देखो पोलर पोलर होंगे, उनमें पोलरिटी होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसलिए वो मिक्स हो सकते हैं। नॉन पोलर है, मैंने पेट्रोल का एग्जाम्पल, पेट्रोल डीजल केरोसिन वैक्स ये सब आपके नॉन पोलर होते हैं। अब मैंने एक पोलर को उठाया वाटर और दूसरा नॉन पोलर को उठाया, तो ये मिक्स नहीं होंगे। इसको क्या कहते हैं? इमिसिबल लिक्विड। ये क्या होंगे? मिसिबल, और ये क्या हो जाएगा? इमिसिबल। तो क्लियर, सेकंड क्वेश्चन कर देंगे। इथेनॉल इसमें क्यों मिक्स होता है? तो बोल रहे सर लाइक डिजोल्व लाइक, नहीं भी लिखोगे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि इथेनॉल जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, इस वजह से ये इंटरमिक्स हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज नॉर्मलिटी? व्हाट इज, आपसे नॉर्मलिटी पूछी है किसकी? 1.5 मोलर H2SO4 की, नंबर ए। नंबर 2 है वो है 1.2 मोलर CH3COOH की। नंबर तीसरा है, इसी के अंदर ही पार्ट, तीनों का बताना है, 1 मोलर NaOH। ये तीन पॉइंट पूछे हैं, तीनों की नॉर्मलिटी आपसे पूछी है। तो सिंपल सा एक मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको। जब आपको नॉर्मलिटी पता हो और आपको मोलारिटी निकालनी हो, तो आपका जो नॉर्मलिटी होता है वो एक मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, वो होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 × मोलारिटी। क्लियर, एक तो ये पॉइंट होता है रिलेशन, इसको तो बोलते हैं हम क्या, इनकी रिलेशन। अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन आता है कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन बताओ, तो आप बताओगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 × मोलारिटी। अब यहां पर आप अगर निकालना चाहोगे तो वो किसके तरीके से आप निकालोगे, भाई इसकी मोलारिटी कैसे होगी कैसे नहीं होगी? तो उसके लिए आपको कैसे करना है मैं इसको बता देता हूँ। ये तो मैंने एक रिलेशन बताई थी आपको, मान लो आपको फर्स्ट वाला करना है, तो इसको अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना है तो आपको ये देखना है कि इसकी मोलारिटी कितनी है। मोलारिटी 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 × फिर आपको देखना है कि ये एसिड है, ये कितने HIN, एसिड है तो HIN, बेस है तो OHIN देता है, आपको ये चेक करना है। तो आप जब H2SO4 को देखोगे तो H2SO4 तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हुई? 2। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, तो ये आ जाएगा 3
नॉर्मलिटी पूछी गई है आपसे तो नॉर्मल, क्लियर। कैसे करना है, दूसरे वाले को आप खुद करके देख सकते हो, दूसरे ये तो एक हो गया, दूसरे वाले में मोलारिटी कितना है 1.2, यहाँ पर हमारे पास एसिड कौन सा है CH3COOH, ये अगर आयंस में टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CH3COO- H+ तो यहाँ पर एच आयन कितने हैं, मींस बेसिसिटी कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.2 नॉर्मल आ जाएगा। और अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे, इसकी मोलारिटी कितनी है 1, और NaOH जो है ये अगर डिकम्पोज होगा तो कैसे होगा, Na+ OH- मींस बेसिसिटी कितनी है आपकी 1 है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 नॉर्मल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मोलरिटी गिवन है किसी भी एसिड या बेस की और आपको नॉर्मलिटी निकालना है तो क्या होगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एसिडिटी और बेसिसिटी, तो ऐसे लिख देंगे मोलरिटी नॉर्मल, ऐसे लिख देता हूँ फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई एसिडिटी या बेसिसिटी, क्लियर। मोलरिटी जो हो उसको उसकी, और ये तो डायरेक्ट देख के बता सकते हो, यहाँ पर ये मोलरिटी H2 है, यहाँ पर ये मोलरिटी H1 है, यहाँ पर ये मोलरिटी और OH1 है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी विच चेंज विद टेम्परेचर, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लो, आप इसको करते हैं तो मोलरिटी की डेफिनेशन मास मोलर मास गुना 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, क्लियर। और भाई अगला नॉर्मलिटी पूछा है, नॉर्मलिटी नहीं है मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी की डेफिनेशन से आप जो फॉर्मूला बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूम, इन दोनों में टेम्परेचर डिपेंड कैसे करेंगे, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर आपको चेक करना है इन टर्म पे चले जाओ, क्या ये मास, टेम्परेचर डिपेंड करता है मास कैन नेवर चेंज, मोलर मास इट इज आल्सो ए मास नेवर चेंज, 1000 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म बट आल्सो डज नॉट चेंज, हियर इज वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आपकी होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है, अगर आप टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम चेंज होती है, बॉयल्स ला चार्ल्स ला ये सब आपने प्लस वन में पढ़े होंगे, वो हमारा टेम्परेचर का प्रेशर का और वॉल्यूम का एक दूसरे पे डिपेंडेंस बताता था, जैसे वी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जब टी कॉन्स्टेंट बॉयल्स ला, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पी कॉन्स्टेंट, अगर आप प्रेशर कॉन्स्टेंट करते हो तो ये वैल्यू आप देखते हैं तो वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स चार्ल्स ला ये कहता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली वेरी करती है, मीन्स अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वॉल्यूम भी बढ़ती चली जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मोलरिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि ये नीचे है न्यूमेरिकल टर्म में, ठीक है, तो ये वॉल्यूम अगर चेंज है तो आपका टेम्परेचर चेंज है, तो ये वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज है तो मोलरिटी चेंज है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंड, ठीक है। यहाँ पर ये मास ये 1000 कॉन्स्टेंट टर्म, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास तो डिपेंड करता नहीं है 1000 वैसे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब मोलरिटी जो होती है मोलरिटी वो क्या होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्लियर है, समझ में, ये पॉइंट मैंने समझा दिया है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो मोलरिटी कम होगी, तो यही आपका टेम्परेचर डिपेंड है, तो मोलरिटी और मोलरिटी में सिमिलरली नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंड होती है, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बट मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंड नहीं होती है, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, एट 50 डिग्री सेल्सियस, बी सेम लेस और मोर देन, बी सेम लेस और मोर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बट क्वेश्चन डिपेंड करता है टेम्परेचर डिपेंडेंट पे। क्वेश्चन पूछ रहा है मोलारिटी का, क्वेश्चन किसके ऊपर पूछ रहा है, मोलारिटी पे। तो मोलारिटी के हिसाब से आप 50 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हो और 25 पे करते हो। तो देखो 25 पे चेक किया शुरुआत में, फिर आपने 50 डिग्री पे चेक किया। तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि 25 से जब आप 50 पे आए हो तो टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है। तो टेम्परेचर आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ आपका, इंक्रीज। ऐसे कोई भी टेम्परेचर सबसे पहले आप क्या देखोगे, टेम्परेचर इंक्रीज। अब मैंने क्या बताया था, मोलारिटी जो आपकी होती है उसकी डेफिनेशन लिख लो। मोलारिटी क्या था, मास, मोलर मास 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम वेरी करती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर के हिसाब से आप देखेंगे मोलारिटी चेंज विद राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये आपको मैंने बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम आपकी क्या होगी, आप बताओ। चार मिसला क्या कहता है, टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो आप बताओ मोलारिटी क्या होगी, बताओ। ये डिक्रीज हो जाएगी, खत्म। ये तो मैं पहले बता चुका था, यानी 25 मोलारिटी सॉल्यूशन की आपने 50 पे मेजर की, 25 पे ले आए, तो टेम्परेचर अब क्या हुआ है, ये क्वेश्चन उल्टा जो इसे पूछ रखा है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस बी सेम लेस और मोर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 50 पे था 25 पे पूछा है, तो 50 पे था 25 पे पूछा, तो टेम्परेचर उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम, टेम्परेचर डिक्रीज तो आपकी वॉल्यूम भी डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज तो आपका मोलारिटी इंक्रीज। दोनों के दोनों केस लेके मैंने बता दिए हैं। अगर 50 से 25 पे आते हैं, 25 से 50 जाते हैं, यानी एक बार टेम्परेचर बढ़ेगा, एक बार टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू बताई चार उछला के हिसाब से, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है 6, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको लिखने की बजाय डायरेक्ट आपको बोल के बता देता हूँ, ये आपको सबको पता है। ये कह रहा है हमारे पास 3 कंपोनेंट है, 6 में क्या है 3 कंपोनेंट, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन जो है, मान लो 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो मैंने इसके बताया था मोल फ्रैक्शन एन ए, इसका मान लो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, तो मैंने बताया था इसका सम कितना होता है 1। तो बाइनरी सॉल्यूशन अगर 3 होगा तो ये मान लो सी है एक्स सी, तो क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। 3 है तो भी 1, 4 हो तो भी 1, 5 हो तो भी 1, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो मैंने 2 के लिए बताया था, इसने 3 के लिए पूछ लिया, तो 3 कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मोलारिटी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, प्रैक्टिस आप करना इसकी, की कह रहा है मोलारिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन लिख देना, वही डिफरेंस है। मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर इन सॉल्यूशन, और मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केज इन सॉल्वेंट, यानी वो हम 1 किलोग्राम में सॉल्यूट चेक करते हैं, मोलारिटी में हम 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेक करते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताता हूँ। स्टेट द फॉर्मूला, स्टेट द फॉर्मूला, अभी क्या है, रिलेटिंग प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, रिलेटिंग प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन।
कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में आपको रिलेशन बताना है, मीन्स फॉर्मूला बताना है। तो आपको बताया था हेनरी लॉ के हिसाब से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्लियर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इन टू एक्स। के एच क्या होगा आपका, हेनरी कॉन्स्टेंट। जो आपके पास के एच होता है ये हेनरी कॉन्स्टेंट होता है, ये किस तरह से डिपेंड करता है, इसी हिसाब से हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं। आप तो सिंपल सा है कि ये कह रहा है कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन बताओ। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन चाहे तो ये तो हेनरी लॉ हो गया, और अगर आप रोल्ड्स लॉ उठाओगे उसमें क्या था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। फर्क सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन का था। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी हो गया है कि रोल्ड्स लॉ और हेनरी लॉ मैथमेटिकली क्या होता है, रोल्ड्स लॉ और हेनरी लॉ मैथमेटिकली जो होते हैं वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर मोल फ्रैक्शन के, क्लियर कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये कह रहा है एट ए सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सोल्यूबल देन हीलियम। वाई ये कह रहा है कि दो गैस दे दी हमने हाइड्रोजन, आंसर सुन लो, हाइड्रोजन और हीलियम। ये कह रहा है कि टेम्परेचर क्या रख दिया हमने, सेम टेम्परेचर हमारा सेम है। फिर कहता है इसने आंसर ही दे दिया इसका कि हाइड्रोजन जो है वो मोर सोल्यूबल है और हीलियम से, तो हाइड्रोजन अगर ज़्यादा सोल्यूबल है हीलियम से तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो ये सोल्युबिलिटी चेक करने के लिए आपको रोल्ड्स लॉ चेक से बताना पड़ेगा। सीधा सा जवाब है के एच की वैल्यू सोल्युबिलिटी को डिफाइन करती है, तो जो के एच की वैल्यू हाई होती है हीलियम के लिए, ठीक है, के एच की वैल्यू लो होती है हाइड्रोजन के लिए। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, आप क्वेश्चन से हिसाब लगाओ ना, है कि हाइड्रोजन ज़्यादा सोल्यूबल है तो आपको बताया गया था के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उस के एच की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है हाई तो उस गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है, लो। तो यही कह रहा है कि हाइड्रोजन ज़्यादा सोल्यूबल है, इसका मतलब उसका के एच क्या है, लो है। इसी क्वेश्चन को देखते हुए आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। ये मैं क्वेश्चन पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही करवाया था। नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है, मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, 2 इंटू मोलरिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी आपकी होती है वो होती है 2 इंटू मोलरिटी। मोलरिटी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको नॉर्मलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी, मीन्स सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। इस एक साल्ट दे दिया इसमें जब डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी आप सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे आपके पास वाटर है उसमें आपने चीनी डाली है वो मिक्स किया है, फिर आप उसको गर्म कर दो और चीनी मिक्स हो जाएगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये इंक्रीज होती जाती है और इंक्रीज होती जाती है, एक स्टेप आती है जहाँ पर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके अंदर मिक्स हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। और उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको, एट सैचुरेशन ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसके बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और एक स्टेज आती है जिसके ऊपर सोल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर के बाद में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन H2O।
मीन्स जब आप NH4 अमोनियम क्लोराइड में जब H2O डालते हो तो ये खुद बोल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। इस एग्जांपल को नहीं, आप दूसरा एग्जांपल लेके सुन लो। मान लो आपके घर में जब हम वाइट वाश करते हैं, जो सफेदी होती है ना उसमें जब हम पानी डालते हैं तो उसमें सीट इजेक्ट आउट होती है, उस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो सिमिलरली जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालोगे, वो भी ये कह रहा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन्स टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप खुद बताओ सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी, इसके क्वेश्चन में वही है। तो इसने इस पॉइंट को, आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब उस दोनों मिक्स करने के बाद टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपका सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दोनों ध्यान रख लोगे टेम्परेचर बढ़ाने। इसमें ये याद रखना है कि सेचुरेशन के बाद में डिक्रीज होती है, बट इसमें क्या कह रहा है, जब NH4 और H2O को मिक्स कर रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहा है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवोल्ड आउट होगी, हीट अगर इजेक्ट आउट हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो आपके पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो पहले करवाया भी जा चुका है, तीन क्वेश्चन है ये, मैंने तीनों इसमें डाल दिए, आप नहीं भी डाले तो भी आपको पहले असाइनमेंट दिया जा चुका है उसमें थे। ये कह रहा है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो जो भी पर्सन होता है वो एक डिजीज होती है एनोक्सिया, उससे सफ़र करना शुरू कर देता है, जिससे उसके शरीर में वीकनेस आ जाती है और वो पूरी तरह से थिंक नहीं कर सकता, मतलब थिंक प्रॉपरली नहीं करता। तो क्वेश्चन क्या है, रीजन देना है, गिव रीजन एट हाई टेम्परेचर द पीपल सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया विच इज नॉट थिंकिंग प्रॉपरली, वाई, रीजन दो आप इसका। आप हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्रेशर क्या हो रहा है भाई, गैस ऊपर कम होती जा रही है तो प्रेशर क्या होता जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो आपका एक प्रकार से ब्लड के अंदर, इसका मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, प्रेशर कम होने के कारण क्या हो जाती है, ऑक्सीजन डिजोल्व जो होती है वो कम डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हेनरी लाइगे कहता है कि प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो जब ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी बॉडी में कम होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कम होगा, हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम होगी, जिसकी वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और हम पूरी तरह से थिंक नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से मेंटली वीकनेस होना, इसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो डेप्थ का है, डेप्थ में जाते जो स्कूबा डाइवर का, और सिमिलरली ही क्वेश्चन जो आपका है वो कार्बोनेटेड बी बेवरेजेस का है। तो ये एक असाइनमेंट जो 15 क्वेश्चंस का था, इसको आप अच्छे से सोल्व करोगे और अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखोगे, जो टॉपिक हुए उनके ऊपर ये असाइनमेंट आज आपका डाल दिया जाएगा, वीडियो के साथ फोटो उसकी डाल दी जाएगी।